स्वागत है आप सभी का क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में। इसमें हम ग्रामशी, हैना, एरन और माओ के जो है बेसिक आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस फानो पैदा होते हैं 1925 में मार्टिनिक आइलैंड पे। मार्टिनिक आइलैंड जो है वो फ्रेंच कॉलोनी है, यहाँ पर फ्रांस गवर्नमेंट का जो है राज चल रहा था। चलिए जल्दी से हम फानो का जो है एक लाइफ स्केच देख लेते हैं। ये फ्रेंच आर्मी में भी सर्व करते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। फिर उसके बाद ये फ्रांस में चले जाते हैं साइकेट्री की स्टडी करने के लिए। बाद में अल्जीरिया में वापस आकर अल्जीरियन हॉस्पिटल में को ज्वाइन कर लेते हैं। अल्जीरिया भी जो है वो भी एक फ्रेंच कॉलोनी रही है और फ्रांस गवर्नमेंट का वहाँ भी राज था। 1954 में क्या होता है, अल्जीरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है। मतलब फ्रांस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फ्रांस के कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट वहाँ पर आज़ादी की जो मूवमेंट है शुरू हो जाती है, और वो शुरू की जाती है नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो ग्रुप है वो शुरू करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में अल्जीरिया के काम कर रहे हैं एज ए साइकेट्रिस्ट, तो इनके पास जो फ्रेंच सोल्जर है फैनो के पास वो भी आ रहे हैं, ये उन्हें भी ट्रीट कर रहे हैं। उन सोल्जर को ट्रीट कर रहे हैं जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। तो बाद में फानो जो है उनको ये आइडिया ठीक नहीं लगता, वो फ्रेंच गवर्नमेंट की इस नौकरी को छोड़कर वो FLN को सपोर्ट करते हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट को सपोर्ट करते हैं, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इनके जो मेन वर्क्स हैं वो है, जो सबसे मुख्य वर्क उनका है वो है ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स, 1952 में पब्लिश होता है। 27 ईयर्स के होंगे लगभग जब उन्होंने ये अपनी बुक पब्लिश की थी। फिर है उनका ए डाइंग कॉलोनियलिज्म का वर्क जो 1959 में पब्लिश होता है। देन रेचर्ड ऑफ द अर्थ 1961 में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो वर्क है रेचर्ड ऑफ द अर्थ जो 1961 में पब्लिश होता है। देन टुवार्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन 1964। तो ये चार ही उनके मुख्य जो है काम है आपने याद रखने हैं। अब हम उनका एक जो मेन एनालिसिस है वो है ब्लैकनेस पर, ठीक है, ब्लैक लोगों की प्रॉब्लम पर, जो उन्होंने अपनी बुक ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स में दिया है। वो इस बुक में ये बताते हैं कि जो ब्लैक मैन और वुमेन है वो वाइट कंट्रोल्ड सोसाइटीज में क्या क्या चीज़ें उन्हें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, उस चीज़ का एनालिसिस जो है इस बुक में पेश करते हैं। वो इसमें एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि जहाँ पर रेसिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पर वाइट को सुपीरियर बताया जा रहा है और ब्लैक को इन्फीरियर बताया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं उनके काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो है तो ओरिजिनली ब्लैक, नेचुरली वो ब्लैक है, लेकिन वो वाइट कल्चर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, वाइट सुपीरियरिटी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे वो वाइट बनना चाहते हैं, वो वाइट बनने की कैसे कोशिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके कल्चर को, उनके वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से वो वाइट बनना चाहते हैं। क्योंकि वाइट रेस जो है उसको वाइट ही रेस वाले मानते हैं कि सुपीरियर है और ब्लैक वाले इन्फीरियर है, तो अपना ये इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स को दूर करने के लिए, ठीक है, अपने आप में भी एक सुपीरियोरिटी लेकर आने के लिए वो वाइट रेस को फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फानो आप ये बताते हैं कि क्यों उन्हें वाइट बनने की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी क्या पड़ी है कि वो वाइट बनना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं, वो ये बताते हैं, क्योंकि वाइट लोग उन्हें ये एहसास दिलाते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, कि ब्लैक पीपल आर इन्फीरियर रेस, वाइट्स आर सुपीरियर, इसी के कारण ब्लैक पीपल जो है इस चीज़ को मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं, इन्हें इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, वो इसको अपने पर्सनल फेलियर मानने लगते हैं कि हाँ भाई हम इन्फीरियर है, ठीक है, जबकि वो इन्फीरियर है भी नहीं, लेकिन वो ये चीज़ इंटरनलाइज कर चुके हैं, ये उनकी लाइफ का पार्ट बन गया है और इसके लिए वो खुद को जिम्मेवार मानते हैं। वो ये जिम्मेवारी जो है वाइट जो रेस है उनको नहीं दे रहे कि वो ऐसे जो है हमें बता रहे हैं, रादर वो खुद मान कर बैठ गए हैं कि हाँ ये हमारी ही गलती है कि हम इन्फीरियर है। तो इससे जो है प्रॉब्लम्स एनालिसिस होती है। अब डेली
एवरीडे लाइफ में उन्हें ये चीज़ बताई जा रही है कि आप इन्फीरियर हो, ठीक है, और वाइट रेस सुपीरियर है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली उन्हें डेली ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि आप ब्लैक पहले आते हो, ठीक है, बाद में आप पीपल हो, बाद में आप ह्यूमन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना किसी को इन्फीरियर कम्प्लेक्स दिया जाएगा तो वो हमेशा कोशिश करेंगे, फैनों कहते हैं, वाइट बनने के लिए। इसीलिए उनमें वाइट बनने की जो चाहत है, तभी तो उनकी बुक का नाम है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। है तो वो ब्लैक, लेकिन क्या बनना चाहते हैं, वाइट बनना चाहते हैं, वाइट मास्क जो है वो लगाना चाहते हैं। अब हम समझते हैं कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट। कॉलोनियलिज्म पर बहुत ही ग्रेट एनालिसिस जो है उन्होंने दिया है। वो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कॉलोनियलिज्म का जो कंसेप्ट है उन्होंने रैचर्ड ऑफ द अर्थ में लिखा है, ठीक है, उसमें एनालाइज किया है। और कॉलोनियलिज्म में फानन ये बताते हैं कि कॉलोनियल वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप्स में बटा होता है। एक होते हैं कॉलोनिस्ट और दूसरे होते हैं कॉलोनाइज्ड। कॉलोनिस्ट वो है जो नेटिव पीपल पर, वहां पर रहने वाले लोगों पर राज कर रहे हैं, और कॉलोनाइज्ड वो है जिन पे राज किया जा रहा है, वो कॉलोनाइज्ड है। अब ये टर्म बार बार यूज होगी, कॉलोनिस्ट और कॉलोनाइज्ड, ये आपने ध्यान रखना है। जब मैं कॉलोनिस्ट बोलूं तो क्या मतलब है, कॉलोनाइज्ड बोलूं तो क्या मतलब है। तो दीज आइडेंटिटीज आर क्रिएटेड बाय द कॉलोनिस्ट, ठीक है। ये कॉलोनिस्ट लोग और कॉलोनाइज्ड जो है, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है कॉलोनिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कॉलोनिस्ट जो है वो कॉलोनाइज्ड लोगों से ज्यादा सुपीरियर है। तो ये रोज उन्हें याद दिलाते हैं, बिल्कुल रेसिज्म की तरह, जैसे वाइट रेस को सुपीरियर कहा जाता है और ब्लैक रेस को इन्फीरियर कहा जाता है, ऐसे कॉलोनिस्ट जो है कॉलोनाइज्ड को लोगों को रिमाइंड कराते हैं। कॉलोनिस्ट अपने कॉलोनियलिज्म को, अपने राज को कैसे कायम रखते हैं, वो इस राज को, इस सुपरियोरिटी को, इस हायरार्की को कायम रखते हैं वॉयलेंस की मदद से। वॉयलेंस कैसे करते हैं वो, पुलिस और सोल्जर्स की मदद से ये वॉयलेंस की जाती है जहां पर उनका राज है, ठीक है। और कॉलोनियल वर्ल्ड में इतनी ज्यादा मतलब वॉयलेंट वर्ल्ड है कि लोगों को कई तरह के डिसऑर्डर्स भी होते हैं इस कॉलोनियलिज्म की वजह से। ये उनका पहला एनालिसिस था, अद्भुत एनालिसिस जो पहले किसी ने नहीं किया था, कि उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पर कॉलोनियलिज्म में इस लेवल की वॉयलेंस होती है। वो मैं आपको आगे जाके एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस लेवल के ये जो डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं सिर्फ उनको नहीं होते जिन पे वॉयलेंस की जा रही है, जो वॉयलेंस कर भी रहे हैं, जो वॉयलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दूसरों को मार रहे हैं, उन्हें भी ये डिसऑर्डर होने लगते हैं। तो अब एक केस लेते हैं कि कॉलोनिस्ट पर क्या ये डिसऑर्डर होता है। ये खुद फैनों ने ही केस बताया है इस बुक में कि एक 37 ईयर ओल्ड का आदमी है, ठीक है, जिसके गांव के लोगों को ये जो कॉलोनिस्ट है वाले लोग हैं जो राज कर रहे हैं वो मार देते हैं, ठीक है। अब उसमें एक टेंडेंसी आ गई, उसके दिमाग में हमेशा ऐसे ही होमिसाइडल के ठोट आते रहते हैं, ठीक है, किसी को मारने के, किलिंग करने के, मर्डर करने के ही ठोट आते रहते हैं। अब ये है जिन पे वॉयलेंस हो रही है, ये उन पे इफेक्ट है, और जिन जो वॉयलेंस कर रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसे डिसऑर्डर्स जो है डेवलप कर रहे हैं। वो एग्जांपल देते हैं फैनो, एक यूरोपियन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जिसको आदत पड़ गई है हमेशा वॉयलेंस करने की, वो अब क्या कर रहा है, जब वो पब्लिक लाइफ से पर्सनल लाइफ में जाता है घर पे भी, तो अपने बच्चों को भी मार रहा है, अपने वाइफ को भी मार रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अब कंट्रोल नहीं रहा, वॉयलेंस किए बिना उसका गुजारा नहीं होता, ठीक है, अंदर से ही उसके अर्ज आती है कि वो किसी को मारे। तो ये डिसऑर्डर जो है कॉलोनियलिज्म की वजह से डेवलप हो रहे हैं, उन पर भी जो वॉयलेंस कर रहे हैं और उन पर भी जो वॉयलेंस फेस कर रहे हैं। अब फैनोन बताते हैं कि अगर इस हद तक ये चीजें हो रही है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, कॉलोनियलिज्म को खत्म कैसे किया जा सकता है, डी कॉलोनलाइजेशन कैसे हो सकती है। वो कहते हैं क्योंकि कॉलोनियलिज्म वॉयलेंस से एस्टेब्लिश किया गया था, वॉयलेंस से मेंटेन किया जा रहा है, तो ऐसे ही वॉयलेंस से ही इसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो वॉयलेंस ही वॉयलेंस को खत्म कर सकती है।
अगर कॉलोनियलिज्म वायलेंस पे एस्टैब्लिश हुआ है तो वायलेंस ही अब उसे ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि डीकोलोनाइजेशन होगा एक वायलेंट प्रोसेस, और सिर्फ ये वायलेंट प्रोसेस नहीं होगा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को आपने बाहर भगा दिया अपने देश, ठीक है, मार मकाया उन्हें, या आपको जो कॉलोनियल माइंडसेट मिला है उससे भी फ्री होना जरूरी है, ठीक है, कॉलोनियल माइंडसेट से भी फ्री होना जरूरी है जिसने आप पर यह भर दिया है कि आप इन्फीरियर हो, आपकी लैंग्वेज इन्फीरियर है, आपकी कल्चर इन्फीरियर है, आप अनसिविलाइज्ड पीपल हो, ऐसे माइंडसेट से भी आपको फ्री होने की ज़रूरत है। तो ये डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में फैनो अपने इसी रैचेट ऑफ द अर्थ की बुक में चैप्टर 2 में ये डिस्कस करते हैं कि कॉलोनाइज लोगों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है, और भी कई तरह के मेथड जो बताते हैं लोकल लेवल पर उन्हें करने की ज़रूरत है जिससे वो डीकोलोनाइजेशन जो है कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट है डबल कॉन्शियसनेस का। डबल कॉन्शियसनेस का जो ओरिजिनली टर्म है वो कॉइन की गई थी WAB डुबोइस ने, जिन्होंने अपनी बुक द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक में ये कंसेप्ट दिया था। इसका मतलब ये होता है कि जब आदमी अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखता है तो रेसिस्ट वाइट सोसाइटी में जब ब्लैक जो है वाइट की नज़रों से खुद को देखते हैं, जब वाइट उन्हें बताते हैं कि वो इन्फीरियर है, उनकी लैंग्वेज जो है वो इन्फीरियर है, ठीक है, अनसिविलाइज्ड है उनका कल्चर, तो ये चीज़ें जो वो मानते हैं, ठीक है, तो तब ब्लैक पीपल जो है एक तरह से डबल कॉन्शियसनेस वाली लाइफ जी रहे हैं। डबल कॉन्शियसनेस की लाइफ की वजह से फानो कहते हैं ब्लैक पीपल वाइट जैसे बनने की कोशिश तो करते हैं, ना वो पूरी तरह से वाइट बन पाते हैं ना वो पूरी तरह से ब्लैक बन पाते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये अफ्रीकन अमेरिकन खास करके, ठीक है, जो ब्लैक पीपल है वो ऐसे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंज है, जो उनका अपना नहीं है। तो होता क्या है, जब अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, यूरोप के लिए जाते हैं तो जब वो यूरोप से वापस अपने देश आते हैं तो वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सेंट में बोलते हैं जो बिल्कुल उनकी अपनी लैंग्वेज से कई गुना डिफरेंट होती है, ठीक है। और यहाँ तक कि अफ्रीका में भी जो वेल्दीएस्ट मैन होते हैं वो वेल्दी भी हैं, ठीक है, फिर भी उनमें कई इनसिक्योरिटीज़ की भावना है। कैसी इनसिक्योरिटी की भावना है, क्योंकि वो अपने आप को स्टिल इन्फीरियर समझते हैं और यूरोपियन को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, और वो यूरोपियन फर्नीचर बाय करेंगे, यूरोपियन क्लोथ्स को बाय करेंगे, फैनो ये कह रहे हैं। तो ब्लैक पीपल जो है एक ब्लैक कॉन्शियसनेस तो है, ठीक है, उसमें एक ब्लैक कल्चर तो इंटरनली जो नेचुरली अडॉप्ट कर रखा है, लेकिन वाइट बनने की कोशिश में एक वाइट कॉन्शियसनेस भी डेवलप कर रखी है उसने। तो एक तरह से वो डबल कॉन्शियसनेस वाली जो है लाइफ जी रहा है। ये थे फैनों के जो कंसेप्ट। जॉन रोल्स यूएस में 1921 में पैदा होते हैं। इनके मेन वर्क्स हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में पब्लिश होती है, जस्टिस एस फेयरनेस जो 1985 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, द लॉज ऑफ पीपल 1993 में, जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001 में पब्लिश होती है। इनका जो मेन आइडिया है वो है जस्टिस का आइडिया, हम वो समझते हैं पहले। जॉन रोल्स पॉइंट आउट करते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में, गुड सोसाइटी में कुछ जो है गुण होते हैं, नंबर ऑफ वर्चूज होते हैं। जस्टिस जो है उस गुड सोसाइटी का पहला वर्चू है। जस्टिस गुड सोसाइटी के एक नेसेसरी कंडीशन तो है लेकिन एक सफिशेंट कंडीशन नहीं है, मतलब जस्टिस के साथ कुछ और भी ऐसे प्राइमरी गुड्स है जो चाहिए। जॉन रोल्स कहते हैं जो ये मानते हैं कि जस्टिस जो है वो सोशल एडवांसमेंट या प्रोग्रेस के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए वो गलत है, इससे सोसाइटी की जो है मॉरल डिग्रेडेशन होगी, इससे सोसाइटी में जो नैतिकता का स्तर है वो कम हो जाएगा। तो जॉन रोल्स कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह है जो सोसाइटी में जस्टिस पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। किस चीज़ को हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जॉन रोल्स कहते हैं प्राइमरी गुड्स जो है सोसाइटी में,
सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्राइमरी गुड्स सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी तो जस्टिस जो है सोसाइटी में इंश्योर होगी। प्राइमरी गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राइमरी गुड्स का मतलब है राइट्स, लिबर्टीज, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों को वो प्राइमरी गुड्स कहते हैं। अगर ये प्राइमरी गुड्स जो है सही तरीके से बांटी जाए सोसाइटी में तो इसका मतलब है जस्टिस जो है सोसाइटी में हो रही है। जॉन लॉक बिलीव करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस में। प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल्स अगर जस्टिस के फाइंड आउट कर लिए जाएं, अगर हम जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल ऐसे फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो उस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो डिस्ट्रीब्यूट हमेशा सही तरीके से ही होगा, ठीक है ना। अगर हमें बांटने का तरीका आ जाए, वो तरीका हम मेथड जो ढूंढ ले, वो प्रिंसिपल जो ढूंढ ले, तो हम उस तरीके से कुछ भी बांटेंगे, जो प्राइमरी गुड्स बांटेंगे वो हमेशा ही सही कहलाए जाएंगे, वो जस्टिस का आइडिया कहलाया जाएगा। इसे कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजर फाइंड आउट कर लेना जरूरी है ताकि डिस्ट्रीब्यूट जो है सही तरीके से हो सके। तो वो प्रोसीजर को सही तरीके से कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है, तो प्रोसीजर ऑफ जस्टिस को सही तरीके से फाइंड आउट करने की एक मेथडोलॉजी है, ठीक है। उस मेथडोलॉजी का नाम ही इन्होंने ओरिजिनल पोजीशन दिया है जॉन रॉल्स ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर से प्रभावित होके, उन्हीं के कंसेप्ट को अडॉप्ट करके जॉन रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर क्या कहते हैं कि स्टेट से पहले, सोसाइटी बनने से पहले, किसी तरह का भी लॉ बनने से पहले स्टेट ऑफ नेचर था, ठीक है, जहाँ पर कोई लॉ नहीं था, कोई स्टेट नहीं थी। तो ओरिजिनल पोजीशन भी ऐसी ही एक पोजीशन है, जब सोसाइटी बनने से पहले जो इंडिविजुअल थे वो अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन में थे, जिन्हें अपने सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब इसका मतलब क्या है? सोसाइटी में कुछ व्यक्ति थे, ठीक है, जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे थे, उनमें एक पर्दा है, ठीक है, किस चीज़ का पर्दा है? अज्ञानता का पर्दा है, जिसे वो वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। किस चीज़ की इग्नोरेंस, किस चीज़ की अज्ञानता है? उन्हें अपने सेक्स यानी जेंडर के बारे में नहीं पता है, उन्हें अपने रेस के बारे में नहीं पता है, फिजिकल कैपेबिलिटी के बारे में नहीं पता है, सोशल क्लास के बारे में नहीं पता, वो रिच है या पुअर है नहीं पता है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, और ऐसे सारे फैक्टर जो एक सोसाइटी में पर्सन की आइडेंटिटी को डिटरमिन करते हैं वो नहीं पता हो गए। ये एक बेसिकली हाइपोथेटिकल पोजीशन है। हम जो जॉन रॉल्स है, ये जॉन रॉल्स ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे कभी इतिहास में हुआ था, वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ सोचना है कि कुछ व्यक्ति जो ओरिजिनल पोजीशन पे हैं, जिन्हें अपने सोशल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस नहीं पता है, जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, ठीक है, अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं, उन्हें कहा जाएगा कि वो जो है जस्टिस के प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करें। अगर वो फाइंड आउट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक ही प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। देखो, अगर इन्हें अपनी पोजीशन का पहले ही पता हो, अगर अमीर को कहा जाए कि वो जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल बनाए, जस्टिस के लॉ बनाए, तो अमीर जो है, रिच जो है, अपने लिए ही लॉ बनाएगा जो उसको फेवर करेगा। अगर पुअर को कहा जाए कि वो लॉ बनाए, ठीक है, जस्टिस के प्रिंसिपल बनाए, तो वो इस तरह के नियम बनाएगा जो उसको फेवर करेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, जिन्हें ना अपनी किसी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, अपनी सोशल पोजीशन के बारे में नहीं पता है, अगर वो जस्टिस के नियम बनाएंगे, ठीक है, तो वो नियम जो है सही नियम होंगे, वो नियम जो है वो करेक्ट नियम होंगे। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन के व्यक्ति है वो नियम बनाएंगे तो उनको उनको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो जॉन रॉल्स कहते हैं उन्हें इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, उन्हें जस्टिस के आइडिया की नॉलेज होगी, और इसके साथ ही वो जो भी है, ठीक है, व्यक्ति अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, वो ऐसे रूल ही बनाना चाहेगा जिसमें उसका फ़ायदा हो। लेकिन इसमें जब उसका फ़ायदा होना है, उसे अपनी पोजीशन के बारे में नहीं पता कि वो गरीब है
या अमीर है। जब वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी ये जो पर्दा इग्नोरेंस का हटा दिया जाएगा तब उसको उसकी पोजीशन बताई जाएगी। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में व्यक्ति जो रूल निकालेगा या जो भी प्रोसीजर बनाएगा जस्टिस के लिए वो सही ही होगा। इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है राइट प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक का नाम जॉनी और दूसरे का नाम बिली। जॉनी को कुछ पैसे दिए जाते हैं, नोटों की गट्ठी दी जाती है और कहा जाता है कि वो इन नोट्स को दो बॉक्सेस में जो है, ठीक है, बांट देगा। बांट देगा का मतलब ये नहीं है कि इक्वली बांट देगा, अपने तरीके से जैसे भी रखना चाहता है रख सकता है, और एक बॉक्स को अगर खाली भी छोड़ना चाहता है वो भी कर सकता है, ये इसकी मर्जी है। ये एक कमरे में बैठ के जॉनी जो है दो बॉक्सेस में पैसों को ऐसे डाल देगा। कमरा खुलेगा, बिली आएगा, जो बॉक्स उसे पसंद आता है वो उठाकर ले जाएगा और जो बॉक्स बचेगा, ठीक है, वो जॉनी को ही रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जॉनी क्या करेगा कि उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको ज़्यादा बेनिफिट हो, वो किस तरीके से जो है नोटों को बांटेगा। तो जॉन रॉल्स कहते हैं ऐसी सिचुएशन में जो रैशनल नेगोशिएटर होगा, जो लॉजिक से काम लेगा, वो ऐसा ही पाथ चूज करेगा जिसमें उसका कम से कम नुकसान हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, वो लीस्ट डेंजरस पाथ को चूज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जॉनी फिर क्या करेगा, जॉनी लीस्ट एडवांटेज पोजिशन पर खुद को रखेगा, यानी वो नोटों को जो है इक्वली डिवाइड कर देगा दो बक्सों में। अब बिली कोई भी बक्सा उठा ले तो उसमें जॉनी का जो है फायदा ही होगा। तो ऐसी पोजीशन में जो है व्यक्ति वो हमेशा जो है सही ही प्रोसीजर के बारे में सोचेगा, हमेशा अपने आप को उस पोजीशन में रखेगा जो लीस्ट एडवांटेज पोजीशन होगी, जिसमें लीस्ट डेंजरस पाथ होगा, उसमें उसका कम से कम नुकसान होगा। तो जॉन रॉल्स कहते हैं, ठीक है, अगर हम सब जॉनी की पोजीशन पे होंगे तो हम ऐसे रूल बनाएंगे जो लीस्ट एडवांटेज इंसान को फायदा देगी। जो वो व्यक्ति जिसको ये चांसेस थे कि खाली बक्सा मिलने वाला है, ठीक है, तो उसका खाली बक्सा खाली ना हो, ठीक है, वो किसी तरीके से भरा हो, हम ऐसे ही प्रिंसिपल निकालेंगे जैसे जॉनी ने सोचा कि मेरे बक्से में भी पैसे होने चाहिए और इतने होने चाहिए जिससे मुझे मैक्सिमाइज फायदा हो जाए। तो एक ही पोजीशन बनती है जो जॉनी करेगा। इसका मतलब ऐसे इस पोजीशन से जॉन रॉल्स कहते हैं कुछ प्रिंसिपल्स निकलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, और वो प्रिंसिपल्स तीन प्रिंसिपल होंगे जिसको वो कहते हैं थ्री प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जो हर एक को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्योंकि यही राइट प्रिंसिपल होंगे। पहला होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ठीक है, वहां पर नोटों की बात की जा रही थी कि नोट इक्वली बांटे जाएंगे, तो यहां पर प्राइमरी गुड जो लिबर्टी की बात होगी तो लिबर्टी इक्वली बांटी जाएगी, ये सभी एग्री करेंगे। लिबर्टी इक्वली बांटेंगे का मतलब ये हुआ, अगर दूसरे को लिबर्टी दी जा रही है तो मुझे भी लिबर्टी दी जाए, ठीक है, और किसी भी इंसान की लिबर्टी को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता दूसरे के बेनिफिट के लिए, तो सबको लिबर्टी जो है वो बराबर मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ऐसी सिचुएशन से निकल के आएगा। दूसरा प्रिंसिपल निकल के आएगा प्रिंसिपल अफेयर ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। बराबर मौके का मतलब ये है कि जब कोई भी जॉब्स या कोई भी अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में कल को निकलती है तो वो सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, सबको हक होना चाहिए उसे अप्लाई करने का बिना किसी डिसएडवांटेज पोजीशन के। थर्ड प्रिंसिपल जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल का नाम इसे जॉन रॉल्स देते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल का मतलब ये है जब भी हमने सोसाइटी में प्राइमरी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्राइमरी गुड्स का यहाँ मतलब है राइट्स, लिबर्टी, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इवन वेल्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, ठीक है,
सही तरीके से रूल फॉलो ना करे, मतलब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना करे, बराबर नहीं बांट पाते, तो ये तभी जस्टिफाई कर पाएंगे, ये तभी जस्टिफाई कर पाएंगे अगर लीस्ट एडवांटेज को इसका फायदा पहुंचेगा, लीस्ट एडवांटेज को भी ग्रेटेस्ट बेनिफिट पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को राइट्स और लिबर्टी या फिर पावर्स या वेल्थ सोसाइटी में किसी एक तबके को, किसी एक क्लास को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये तभी जायज़ है, ये तभी जस्टिफाइड किया जा सकता है, जिसको नहीं मिल रहे हैं उसको भी किसी तरीके से फायदा पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने वेल्थ और पावर को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो अच्छी एजुकेशन ले लेता है, ठीक है, एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, और दूसरा अपनी डिसएडवांटेज पोजीशन की वजह से, जिससे जिसके पास वेल्थ नहीं थी, जिसका बाप जो है, जिसके पिता जो है, वो उनके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है, कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, वो अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले पाते, ठीक है, अच्छी जॉब भी नहीं कर पाते, वो लीस्ट एडवांटेज पोजीशन पे आ गए हैं। तो अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? जस्टिफाई ऐसे किया जाएगा, जो बिजनेसमैन बन गया है उसको जो है, जॉन रॉस कहते हैं, टैक्स लगाया जाएगा, 30% 40% इनकम पे जो है उसे टैक्स लगाया जाएगा, उसके टैक्स का जो खर्चा है सरकार, वो लीस्ट एडवांटेज पोजीशन पे जो है इंसान, उसकी डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, वो जो पुअर है, वो जो गरीब आदमी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो खर्चा किया जाएगा। तो ये था जॉन रोल्स का जस्टिस का आइडिया। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।